तो दोस्तों हम बांखरपुर से चल पड़े हैं और अब देखते हैं कि ये ब्लॉग कैसा बनता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ मुझे काम था थोड़ा और अब मैं धीरे धीरे चलते हुए बनाता हूँ ब्लॉग को और आप लोग इन्जॉय कीजिए। यहाँ पर ये शॉप्स देख लीजिए, शॉप्स काफ़ी हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए शॉप्स का नज़ारा लीजिए, काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं। और थोड़ा हम स्पीड में भी चलेंगे, थोड़ा धीमे भी चलेंगे। यहाँ पर आप दुकान किराए पर ले सकते हैं अगर आपको कोई काम करना है दोस्तों। और हम जा रहे हैं दोस्तों मुबारकपुर की साइड, देखिए हमारे साइकिल वाले मिस्त्री साहब लगे हुए हैं। ये है दोस्तों भांखरपुर की साइड, ये भांखरपुर की साइड है और हम जा रहे हैं मुबारकपुर की साइड। ये देखिए दुकानें, उस दिन भी मैंने दिखाई थी आपको ये दुकानें दोस्तों। यहाँ पर जो है रेडी पर देखिए सामान लादा जा रहा है दोस्तों, ये देखिए। और थोड़ा रोड का मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखिए रोड का जो है दोस्तों नज़ारा देखिए आप थोड़ी दूर तक। और यहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी दोस्तों काफ़ी सारी हैं और मोहनग्राम है बॉटलिंग प्लांट जो मैंने आपको उस दिन बताया था, और दूसरी जो फैक्ट्री है यहाँ पर माउंट शिवालिक बियर फैक्ट्री आगे जा करके। तो आप लोग दोस्तों देखते रहिए कि ब्लॉग कैसा बन रहा है, देखिए अच्छा बनेगा ब्लॉग, ऐसी बात नहीं। और ये है दोस्तों बीर का थान, यहाँ पर मार्केट है, देखिए जो करता है आप यहाँ दुकानें वगैरह हैं। देखिए दोस्तों तो इस रोड के ऊपर तो इस समय ट्रैफिक नहीं है, देखिए कितना बड़ा यहाँ पर होल सेलर का या फिर डिस्ट्रीब्यूटर का गोदाम है दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पर पाइप रखे हुए हैं डालने के लिए, और ये दुकानें तो आपने दोस्तों पहले भी देखी होंगी। यहाँ पर बेड, सोफे और भी बहुत कुछ मिल जाता है, मंदिर और काफ़ी कुछ दोस्तों यहाँ पर मिलता है और आप खरीद सकते हैं। और ये देखिए और भी काफ़ी सारे नज़ारे दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये दुकानें हैं देखिए हमारे जानकारों की, बहुत पुरानी दुकानें हैं दोस्तों। आगे और आगे तो हमें संभल कर दोस्तों चलना पड़ेगा क्योंकि बच्चे भी खड़े हैं रोड पर, बच्चों को तो दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ आपको तो पता ही है। बच्चे मेरे हो दोस्तों या बगाने, सभी को मैं बराबर प्यार करता हूँ। यहाँ पर बड़ा हमें संभल कर दोस्तों चलना होगा, ट्रैफिक तो कम है लेकिन लोग धीरे नहीं चल रहे। और आगे दोस्तों आगे निकल जाता हूँ मैं, थोड़ा रोड की वीडियो आपको दिखा देता हूँ बना करके, देखिए थोड़ा धीरे चल के रोड की वीडियो को नज़ारा आप लीजिए। और हमारी राशन वाली दुकान भी दोस्तों आने वाली है, जहाँ उस दिन हमने राशन लिया था, ये देखिए। अभी मैं थोड़ा धीमे चलूँगा यहाँ पर और रुकूँगा इस साइड दोस्तों। तो हमारा स्टॉपेज आ चुका है दोस्तों, और हमारा स्टॉपेज अभी हम रोड को क्रॉस करेंगे, लेकिन सामने से देखिए दोस्तों कितनी ट्रैफिक आ रही है। ये जो गाड़ियाँ हैं कंक्रीट वाली, ये धीरे नहीं चलती दोस्तों, उनमें वजन भी काफ़ी होता है। और ये जो जहाँ जा रही है दोस्तों भांखरपुर और जीरकपुर जा रही है चंडीगढ़ कुछ पता नहीं, और यहाँ पर हम दोस्तों आराम से निकलेंगे। अभी पीछे से जो है ट्रैफिक आ रही है, आगे से भी, तो हम आराम से चलेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों निकलने की। यहाँ से आराम से हम चलेंगे और ज़रा सी भी यहाँ पर जल्दबाजी आपके लिए घातक साबित हो सकती है दोस्तों। आगे से गाड़ी बड़ी आ रही है, देखिए लोडेड गाड़ी है मेरा ख्याल, और अगर ये बड़ा ज़रा सी भी चोट दोस्तों आपको मार देती है ना तो बहुत दूर गिरेंगे आप जा करके। ये भांखरपुर की साइड दोस्तों जाती हुई, और ये है हमारे राशन वाले भाई साहब जी की दुकान, जहाँ से हम दोस्तों राशन लेकर के जाते हैं। उस दिन लेकर के गया था, फिर ख़त्म हो गया, फिर ले जाना पड़ेगा। उस दिन कुछ राशन दोस्तों कम रह गया था, घर वालों ने मुझे राशन पूरा नहीं लिखवाया। तो हम निकलते हैं दोस्तों क्योंकि ट्रैफिक तो यहाँ पर लगी रहेगी। ये देखिए दोस्तों अब काफ़ी पुरानी दोस्तों ये दुकान है, और हम यहाँ से ही परमानेंट दोस्तों राशन लेकर के जाते हैं।
कहीं और हम कहते हैं ना मुंह नहीं मारते, हम यहीं आते हैं और यहीं से राशन लेकर के दोस्तों जाते हैं। इस वीडियो को दोस्तों मैं समाप्त करता हूँ, थोड़ा आपसे मैं वार्तालाप कर लेता हूँ सामने आकर के, ताकि आप लोगों को जो है दिक्कत ना आए दोस्तों, और आप लोगों को दिखता रहेगी कि बंदा है। आप ये ना समझने कि मरमर तो नहीं गया कहीं, किसी और ने कैमरा थाम रखा है क्या। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अपनी शक्ल थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो अभी दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर और यहाँ से राशन लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ अगर आगे जाना है उसका भी ब्लॉग बनेगा दोस्तों। और हमारे लाला जी हैं जो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाने देंगे, खींचेंगे हमें सर, उससे भी किसी दिन आपका वार्तालाप दोस्तों हम जरूर कराते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं समाप्त करने की आपसे भी आज्ञा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों। इसमें सीधा मैं आपको रोड दिखाऊंगा और कुछ नहीं, साइड से थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, देखता हूँ पहले ट्रैफिक कितना है दोस्तों रोड पर। और ट्रैफिक ज़्यादा होने के नाते दोस्तों यहाँ पर गाड़ियाँ जरूर खड़ी हैं, लेकिन थोड़ा मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा कि मिट्टी यहाँ हो सकता है साइकिल दोस्तों। ये देखिए आगे जो है, हाँ क्या चढ़ाई है दोस्तों, ये देखिए रोड का मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। यहाँ से हम रोड की ही वीडियो बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत दिन हो गए रोड की वीडियो हमने नहीं बनाई है। देखिए ये रोड है जो दोस्तों ये जा रहा है मुबारकपुर जंक्शन दोस्तों, ये रोड जाता हुआ और इस रोड का आप आनंद लीजिए यात्रा का। धीरे चलते हैं, ये देखिए दोस्तों लोग जो है ना, लोगों का चलने का नज़रिया बहुत गलत है यहाँ, और ये रोड भी यहाँ से टेढ़ा है थोड़ा, इसलिए दोस्तों साइडों से मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। देखिए ऐसा नज़ारा दिखाता हूँ कि साइडों से भी दिखे और इधर से भी दिखता रहे आपको रोड पर किस तरह की ट्रैफिक है दोस्तों। ये देखिए मैं पहले भी दोस्तों यहाँ पर ब्लॉग बना चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा और बना देता हूँ। ये देखिए रोड का इसका मिट्टी से बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, और यहाँ पर दोस्तों बैठते ही है गाड़ियाँ भी आ गई पीछे से, अब ऐसा कर लेता हूँ भाई। रोड का दोस्तों आपको नज़ारा ऐसे दिखाते हैं, देखते रहे आप रोड का नज़ारा। यहाँ पर के दोस्तों आकर के हमारी वीडियो खत्म होती है लाला जी के पास हर मरतबा। तो हम पहुँच गए हैं दोस्तों साइकिल से उतरे हैं, लाला जी हमारे लगे हुए हैं काम में व्यस्त। साइड का थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर माड़ी है, पानी की टंकी है, और ये रास्ता जो है बंखरपुर को चला गया है दोस्तों, और पानी की टंकी है। देखिए इधर माड़ी है सामने गुग्गा पीर जी की, वहाँ पर आप माथा टेक सकते हैं। और ये इधर दोस्तों काफ़ी बड़ा इलाका है, सिल्वर सिटी है, रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से निकला जाता है रास्ता यहाँ पर। ये देखिए खंबे गड़े हुए बड़े सारे दिखते हुए आप लोग, ये है दोस्तों मुबारकपुर का अंडरपास, और एक ये रास्ता जो जाता है लाइन के साइड से जाता है दोस्तों। यहाँ से आप साइकिल वगैरह निकल सकते हैं पैदल, आप मोटरसाइकिल में तो अंडरपास के नीचे से आपको जाना पड़ेगा। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर ये ब्लॉग मैं अभी थोड़ी देर में ही समाप्त करने वाला हूँ, और यहाँ पर हम साइकिल को खड़ा कर देते हैं। और हमारे लाला जी दोस्तों यहाँ पर कैरियों में व्यस्त रहते हैं, हम जब भी आते हैं तो आज हम चाय पीकर के जाएंगे लाला जी के पास। काफ़ी दिन हो गए हमने दोस्तों चाय नहीं पी, और ये ब्लॉग दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी हम लाला जी के पास दोस्तों हम चाय पानी पीते हैं, खाने को देखते हैं क्या है, खाते भी हैं क्योंकि हमें भूख लगी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, तो हम खाएंगे भी और लाला जी से भी बातचीत करेंगे थोड़ी बहुत, देखते हैं। लेकिन अभी दोस्तों मैं इस ब्लॉग को जो है समाप्त करने की घोषणा करता हूँ यहाँ पर, अभी थोड़ी पेट पूजा भी दोस्तों कर लिया जाए और चाय भी पी ली जाए दोस्तों, फिर देखते हैं उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आगे ब्लॉग कौन सा बनाना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में आप सभी से। स्टार्ट कर दिया है तो सीधे चलेंगे, क्योंकि ब्लॉग दोस्तों थोड़ा छोटा ही बनाऊंगा मैं। ये देखिए ये रास्ता दोस्तों काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, और इधर भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पर प्रोसेस जो है काफ़ी अच्छी की गई है MCA द्वारा, और इस रास्ते के ऊपर दोस्तों टाइलें लगे एक साल होने वाला है। तो ये रास्ता काफ़ी अच्छा है दोस्तों, साइड से निकलने का एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है,
और यहाँ पर आरा वगैरह भी है दोस्तों, अपन लकड़ियाँ खरीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं। तो सामने देखिए आरा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर गाड़ियों में अंदर से जो है सीमेंट वगैरह उतारा जाता है दोस्तों। इस साइड यहाँ पर थोड़ी चढ़ाई आती हुई दोस्तों, मेरा साइकिल भी ख़राब है, साइकिल भी ठीक होगा दोस्तों मैं उतर जाता हूँ क्योंकि आगे रास्ता भी ख़राब है। और ये ब्लॉग दोस्तों बन जाए बड़ा तो बेहतर, छोटे ब्लॉग में बिल्कुल भी दोस्तों मज़ा नहीं आता, लेकिन थोड़ा बड़ा ब्लॉग होना चाहिए 5-10 मिनट का। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पर जो है दोस्तों आगे फिर रेलवे लाइन आ गई है, आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। और ये रेलवे लाइन दोस्तों इस साइड से तो चंडीगढ़ जा रही है और इस साइड से अम्बाला। तो दोस्तों ये 2 मिनट का ब्लॉग बनाऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं फिलहाल, बाकी देखते हैं क्या बनता है, शायद लंबा भी बन जाए। और यहाँ पर थोड़ी देर हम दोस्तों रुकते हैं, ये देखिए लाइन जो है चंडीगढ़ की तरफ जा रही है दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया आपको ट्रेनों का समय हो रहा है, और इधर चली गई दोस्तों अम्बाला की तरफ, ये अंडर पास है, वो भी अंडर पास है, वो मरकपुर की तरफ जा रहा है, और ये भंखरपुर की तरफ दोस्तों अंडर पास जा रहा है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करने की आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ दोस्तों, दूसरा ब्लॉग मैं बनाऊँगा, ये छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुकूँगा और देखता हूँ फिर आगे क्या करना है, और आगे मुबारकपुर की साइड में दोस्तों मैं ब्लॉग बनाऊँगा। ट्रेनों का समय भी हो रहा है, मुझे देखना पड़ेगा कि साइकिल निकलेगा या नहीं दोस्तों, और बहुत ही आसानी से यहाँ से निकला नहीं जाता क्योंकि ट्रेनों का समय है दोस्तों इस समय, देखते हैं क्या बनता है दोस्तों।